चल यार चल उस बार चल दुनिया नहीं ये बबल। कैसे होंगे सारे खर्चे पूरे इस बार यार? जानू जानू वाह 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 माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही हो। दिल ये कर रहा है कि तुम्हें ले जाऊं शॉपिंग करवाऊं फिर फिल्म दिखाऊं अच्छी सी और उसके बाद किसी बेहतरीन रेस्टोरेंट में खाना खिलाऊं। कैसा जानू? अच्छा और इतनी लंबी चौड़ी प्लानिंग में जो पैसे लगेंगे वो कहाँ से आएंगे ना बिल? जानू पैसे पैसों का फिक्र मत करो जानू, ये जो 15-20 हज़ार लगेगा ना पापा जी ने जो पैसे भेजे उसमें से निकाल लेंगे। हरगिज़ नहीं नबील, हम कोई फजूल खर्ची नहीं करेंगे। जानू इतनी कंजूसी अच्छी नहीं है, मुझे पता है पापा जी ने इस दफा 2-2.5 लाख रुपया भेजा है, हमने खूब याशी कर ली है जानू। नबील वो 2-2.5 लाख रुपए 2 महीनों के लिए भेजे हैं पापा जी ने, वो लंदन गए हुए हैं निराली के साथ, हो सकता है कोई 2-2.5 महीने बाद वापस आए। हद होती है वैसे, मैंने आज तक इतना खुद गर्ज मोटा बाप नहीं देखा। जाती बेटी तरस रही है और बाप के सैर सपाटे खत्म नहीं हो रही। मेरे पापा के बारे में कुछ मत कहना, उनका दिल बहुत बड़ा है। जानू उनका सिर्फ पेट बड़ा है। नबील मेरे बेचारे पापा, हम सबका पेट पालने के लिए इस उम्र में भी मेहनत करते हैं। जानू मेहनत में अजमत है। कौन अजमत? अश्मत का छोटा भाई। देखो नबील इस महीने हमें बहुत सोच समझ के खर्चा करना होगा, सोना चांदी की फीस भी डबल हो गई है इस बार, तुम्हें तो कोई एहसास है नहीं? क्यों नहीं है जानू एहसास? अच्छा खासा मुझे एहसास है यार, कल रात पूरी रात मैं सो नहीं पाया। अच्छा घर खर्च की परेशानी से? ओ नहीं यार, कल रात वो तंदूरी नान खा लिए थे ना 4-5, तो बिल्कुल ना अजीब सी गैस सी हो गई, दिमाग को चढ़ गई, मुझे नींद नहीं आई पूरी रात यार। नबील तुम्हें खाने पीने और सोने के अलावा कुछ और सूझता है कभी? पापा कब तक हमारी जिम्मेदारी उठाएंगे? अब तुम्हें नौकरी का सोचना पड़ेगा। सोचता हूँ जानू, बहुत सोचता हूँ कि कहीं मुझे 4-5 लाख की नौकरी मिले तो मैं फौरन करूँ। इतनी तनख्वाह पे कौन रखेगा तुम्हें नबील? जानू पापा जी मैं उनका चौकीदार भी बनने को तैयार हूँ, लेकिन जानू तनख्वाह मुझे 4-5 लाख चाहिए होगी। शट अप नबील। स्मार्ट हो गए जानू, बात तो करके देखो उनसे। इस दफा तो कम आया होगा ना? डबल आया है। ले शुभाना आज फिर हमारे यहाँ वो नहीं आ रही है। वो कौन? वो जो हमारे घर कभी नहीं आती और जब आती है तो हमें बड़ी खुशी होती है। हमारी नई पड़ोसन मिसेस फारूक। पड़ोसन नहीं वो। माँ जी प्लीज अभी तंग ना करें, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, बिजली और गैस का इतना ज्यादा बिल आ गया। हाँ 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 गैस, आज फिर गैस नहीं आ रही निसरीन। अरे तो दवा ले लो भाई। ना मेरे दवा खाने से किचन में गैस आ जाएगी मसूद। महमूद। अच्छा तो मेरे दवा खाने से महमूद को गैस आ जाएगी मसूद? ओहो भाई चुप करो, समझ आ गई है कि किचन में गैस नहीं आ रही है। भाई अगर गैस नहीं आ रही है तो क्या हुआ भाई? अब बाजार से नाश्ता ले आते हैं। खूबसूरत दो मुझे थोड़े से पैसे, बाजार से ना गरम गरम मजे का नाश्ता लेके आता हूँ। पिछले हफ्ते 3 बार बाहर से नाश्ता आया महमूद साहब, इस बार घर का बजट बहुत टाइट है, आप लोग चाय और पापे खा के गुजारा करें। शाबाश, चाय पापों से हमारा वो कैसे भरेगा तबस्सुम? हमें तो नाश्ते में घी के परोठे चाहिए होते हैं। प्लीज माँ जी आप लोगों के खाने में ही 25-30 हज़ार ऊपर से लग जाते हैं, अब घर में क्या पकेगा मैं डिसाइड करूँगी। हफ्ते में 6 दफा सब्जी पकेगी और 1 दफा गोश्त। अरे भाई मैं तो गोश्त के बगैर खाना खा ही नहीं सकता। अरे जब तक दांत में बोटी वोटी ना फंसे मजा ही नहीं आता खाने का। तो मत खाए महमूद साहब, अच्छा है थोड़ा वेट कंट्रोल हो जाएगा आपका और कच्चा भी कम होगा। ये ले पापे ले आए जाके। वो जो जाके लाने हैं वो पापे जी? अरे इसमें तो 3-4 ही आएंगे। मसूद मेरे लिए ना बल्लों वाला पराठा लेकर आना आपने प्लीज। अरे पराठों की बच्ची, अरे ये पैसे देके 100 रुपया दे रही है और पराठे लेके आना, तेरा बाप लाएगा पराठे इस पैसों में? पापे लाऊं या पराठे लाऊं? हद हो गई है यार। पुत्र तेरी ये जो बीवी है ना ये बड़ा जुल्म कर रही है हमारे ऊपर। नबील नबील माँ जी। हाँ 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 वो जो तेरी बीवी है ना वो नबील पे बड़ा जुल्म कर रही है दील। हाँ भाई, अरे सुबह नाश्ते में उसने चाय और पापे खाने के लिए दी है और दोपहर के खाने में भी ना सब्जी बन रही है बैंगन आलू, और मुझे कह रही है नौकरी कर लो। महमूद साहब आप खुद बताएं
सब्जी खा के नौकरी होती है यार। हाँ भाई, आलू बैंगन खा के तो गैस ही होती है। नहीं नहीं खबरदार। वैसे एक बात है नबीर, तुम कर क्यों नहीं लेते नौकरी? तकरीबन जवान ही हो। नौकरी करने को कह रही है, शादी करने को नहीं कह रही है। झट से कर लो। तो शादी कर ले पुत्र, मगर इस बार किसी ऐसी लड़की से करना जिसका पापा खुल्ला डुल्ला हमको पैसे खर्चा दे। ये तस्लीम के पापे की तरह नहीं। अरे वाह माँ जी वाह, ये आइडिया बहुत माकूल है। कौन माकूल? अरे भाई, हर मसले का हल दूसरी शादी नहीं होता। अरे तो आप बता देना क्या करें, खूबसूरत तो दांतों से पैसे दबाए बैठी है। मैंने ना एक मुक्का मार के ना उसके मुंह पे तो सारे दांत बाहर गिरा देने और पैसे चोली में गिर जाएंगे हमारी। अरे भाई वो तो सिर्फ एक कहावत है मुमताज। कौन मुमताज? अरे तुम मेरी माँ। ना ना ना, मैं आपकी माँ नहीं हूँ, मैं आपकी साली हूँ। अरे तुम मेरी बीवी हो यार। उश उश, पुत्र इतने बड़े मुंह वाले आदमी से मैंने कब शादी की? माँ जी तू 12-13 साल तो हो गए। क्या बताऊँ यार, बहुत परेशान। क्यों तुमने फिर अपने शोहर को किसी लड़की से बात करते हुए पकड़ लिया क्या? नहीं यार, घर के हालात की वजह से परेशान हूँ। कब तक ऐसे चलेगा? पापा कब तक इस घर की जिम्मेदारी उठाएंगे? पता नहीं क्या होगा हमारा फ्यूचर। एक आदमी है जो तुम्हें बता सकता है फ्यूचर के बारे में। कौन? किस्मत मामू, बहुत मशहूर पॉमिस्ट है, तुम उनसे मिल लो एक दफा। वो तुम्हारा साइचा देकर सारी परेशानियों का हल बताएंगे। फिर देखना कैसे तुम्हारे सारे मसले हल होते हैं। मुझे नहीं लगता कोई इस घर के मसले हल कर सकता है। अरे खूबसूरत, तुम किस्मत मामू को नहीं जानती, वो बड़े बड़े मसले हल कर देते हैं। मैं तो अपनी जिंदगी का हर अहम फैसला उनके मशवरे से ही तो करती हूँ। अच्छा चलो एक बार मिल के देख लेती हूँ, तुम मुझे नंबर मैसेज कर दो उसका। चलो ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। नबील, मैंने किस्मत मामू को बुलवा लिया। जानू, बड़ा अजीब सा नाम है तुम्हारे मामू का। वो मेरे मामू नहीं है। तो फिर किसके मामू को बुला लिया भाई? पहले घर में पैसों की तंगी है, तुम दूर दराज के मामू को बुला रही हो यार। किस्मत मामू किस्मत का हाल बताते हैं नबील, वो हमें बताएंगे कि हमारे घर के हालात कब ठीक होंगे। अरे यार इसमें ऐसी कौन सी बात थी, वो तो मैं भी तुम्हें बता देता। अच्छा तो बताओ कब ठीक होंगे? जानू जब तुम्हारे पापा हमारा हिसाब में देंगे तब। शट अप नबील। ओके जानू। देखो मेरी दोस्त ने किस्मत मामू की बहुत तारीफें की हैं, मैं उनसे जायचा बनवाऊंगी, फिर वो बताएंगे कि हमें क्या करना चाहिए। भाई मैं इन फजूल बातों को बिल्कुल नहीं मानता। क्यों? ओ भाई 6 महीने पहले मैंने एक तोते से फाल निकलवाया था, उस फाल में आया था कि 1 महीने के अंदर अंदर मैं अपने ससुर की मौत की खबर सुनूंगा। ओ भाई अब पिछले 5 महीने से इंतजार कर रहा हूँ, कबर भी बुक कराई हुई है, कोई ऐसी खबर नहीं आ रही, सब झूठ निकला भाई। नबील तुम मेरे पापा के मरने का वेट कर रहे थे? नहीं नहीं जानू, मैं तो फाल के साथ चूने का इंतजार कर रहा था। एक ही बात है नबील। ओ जानू मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यार, ये सब झूठ होता है। पापा जी को कुछ हुआ, उनकी डेथ हुई, नहीं ना लंदन में याची कर रहे हैं, यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें कि सब गलत होता है, छोड़ो किस्मत मामू को। वो कोई सड़क छाप फाल निकालने वाले फजूल आदमी नहीं है, बहुत ही मशहूर पामिस्ट है, उनकी पेशेंगोई कभी गलत नहीं हुई। अच्छा तुम्हें इतना भरोसा है किस्मत मामू पे? हाँ है। ठीक है फिर आने दो, देख लेते हैं क्या पेशेंगोई करते हैं। एक काम करो जानू, कुछ पैसे दो, मैं मामू के लिए कुछ खाने पीने के लिए चाय का सामान ले आऊं भाई। ठीक है लाती हूँ पैसे। हाँ प्लीज थोड़े से ज्यादा ले आना। कौन आ गया? हाँ जी आप कौन? मैं मामू। मेरी मामू जान का अंतकाल तो बचपन में ही हो गया था। ओहो बड़ा अफसोस हुआ, आपके मामू इतनी छोटी उम्र में चल बसे। मामू तो 60 बरस की उम्र में मरे थे। पर अभी तो आपने कहा कि उनका इंतकाल बचपन में हुआ था। अरे वो तो मैं अपने बचपन की बात कर रही थी हशमत चाचा। चाचा नहीं मामू, मामू किस्मत मामू, मुझे खूबसूरत ने बुलाया ना। तो पर मैंने तो तुझे नहीं बुलाया ना बच्चू। फिर जाहिर है आप खूबसूरत नहीं होंगी। मैं ही खूबसूरत हूँ। तो आप ही ने बुलाया होगा, याद कीजिए ना। मैं तुझे क्यों याद करूँ, मैं तो सिर्फ अपने मियां मुस्तकीम को याद करती हूँ दिन रात। ओह बड़ा अफसोस हुआ, उनका इंतकाल कब हुआ? ओए वजाहत जिंदा है। कौन वजाहत? मेरे शौहर। तो फिर ये मुस्तकीम कौन है? ओए मुझे क्या पता, बिला वजह ना पराए मर्दों के बारे में मुझसे न पूछ, अजमत फूफा। मैं फूफा नहीं हूँ, किस्मत मामू। किस्मत? अरे किस्मत मामू आप अंदर आइए प्लीज। चले चले। आइए मैं सबका तारुफ करता हूँ। ये माजी है, इनसे तो आप मिल चुके हैं। ये महमूद साहब हैं, ये मेरे ससुर हैं, और ये नबील है मेरे शौहर। ये किस्मत मामू है,
ये जायचा बनाकर हमारी किस्मत का हाल बताएंगे। शुरू करें ना किस्मत मामू। मैं सबसे पहले तो आप अपनी तारीख पैदाइश बताएं। ना वो क्या होता है? अरे मोमो वो पूछ रहे हैं कि तुम कब पैदा हुई थी। सर्दियों में है? हाँ ना, उस वक्त हल्की फुल्की बारिश हो रही थी, हमारी बकरी ने बेबी बॉय दिया था उस वक्त, है मेरी अम्मा जी ने बताया था। और मोहतरम आप? मामू मुझे दिन तो याद है लेकिन मुझे सन याद नहीं है। वैसे मामू साहब कबल मसीह की पैदाइश है। प्लीज आप लोग बस करें, किस्मत मामू आप छोड़े हैं, मैं आपको सबकी डेट ऑफ बर्थ व्हाट्सएप कर देती हूँ। ठीक है, मैं कहीं थोड़ी देर तनाई में बैठ सकता हूँ? क्यों? अरे भाई हिसाब किताब में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए ना, आराम से सबका जायचा बनाकर बताऊंगा कि किसके साथ क्या मसला है। मुझे तो अपना मसला पहले ही मालूम है बच्चों। क्या मसला है तुम्हारा? मेरा ना पेट बहुत खराब है कल से। वैसे इस घर के लोगों के पेट और दिमाग हमेशा ही खराब रहते हैं। ओ बस कर दे माँ जी, यार मामू को देखें कैसे देसी कुकड़ की तरह सहमे हुए बैठे हैं। मामू आप टेंशन न लें, आप लॉन में जाके बैठे, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, आप दिन में तारे देखे जा। उठे उठे, मेरा ख्याल है आप खुद ही चले जाए, यहाँ से जाएंगे ना आगे थोड़ा सा इधर चल जाएंगे। यहाँ भी कोई इज्जत नहीं है, घर जैसा माहौल है। याद आ गई। परेशानी की बात है क्या? ओ यार मामू साहब, आप तो ना इनको मामू गए, आप तो खुद इनकी मामू की उम्र के हैं यार। अरे भाई इनका नाम किस्मत मामू है तो मामू ही कहूंगा ना मैं, और वैसे भी मैं इनसे काफी छोटा हूँ। बताए ना मामू जान, मेरे सितारे क्या कहते हैं? आपकी उम्र बहुत लंबी होगी क्योंकि आपको अपनी उम्र याद ही नहीं रहती है। अच्छा ना मेरे बारे में कुछ बताइए मामू। आपका मुँह हमेशा बड़ा रहेगा। ओ ये क्या बात हुई यार, ये तो मैं भी बता सकता था इनको। ओ आप ये बताएं ना कि क्या नबील कभी नौकरी करेगा? हमारे घर के हालात ठीक होंगे या नहीं? जानू नौकरी तो मैं जिंदगी भर नहीं करूंगा, ये तो मुझसे पूछ लो, अपने बारे में क्यों नहीं पूछती उनसे? अच्छा मेरे बारे में कुछ बता दे। नहीं नहीं भाई, तुम्हारे बारे में तो मैं बिल्कुल नहीं बताना चाहता। क्यों? ऐसा क्या होने वाला है? किस्मत मामू प्लीज बताएं। तुम्हारे सितारे बहुत गर्दिश में बेटा, शम्स की तीसरी वबाल की मौजूदगी में बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। हाँ अगर जोहल लौट कर अपने पांचवें घर आ जाए तो कुछ हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, घर की चौखट पर तो मुश्तरी खड़ा है, वो जोहल को रोक लेगा, आने नहीं देगा। मिश्रीन मैं बता रही हूँ ये बुढ़ा पागल हो गया। किस्मत मामू प्लीज कुछ आसान अल्फाज में समझाए ना हमें। तुम पर बहुत ही बड़ा, इस आदमी के मुँह से भी बड़ा खतरा आने वाला है और तुम उससे बच नहीं पाओगी। इस खतरे की वजह से तुम्हारी जान भी जा सकती है बेटा, तुम्हें बहुत संभल कर रहना होगा, बहुत संभल कर। सच? नबील सच? किस्मत मामू हाँ, आप सबको इसका बहुत ख्याल रखना है, बहुत ज्यादा। लाए मेरी फीस दे। निकालो जानो फीस निकालो। ठीक है मामू आए, मैं आपको बाहर तक छोड़ता हूँ, फीस भी देता हूँ। आए 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 खूबसूरत, जब तुम इस दुनिया से इंतकाल फरमा जाओगी तो तुम्हारी याद तो आएगी ना इसे। जानू देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। क्या लाया नबील? सूप जानू, सूप। और ये सूप पी कर तुम बहुत बेहतर फील करोगे। तुमने इसमें कुछ मिलाया तो नहीं है नबील? मिलाया ना जानू। क्या क्या मिलाया तुमने? जानू क्या मिलाऊंगा भाई, सूप है, इसमें चिली सॉस, सोया सॉस, अंडे, चिकन वगैरह वगैरह। शट अप नबील, मुझे पता है तुमने इसमें जहर मिलाया। ओ जानू तुम पर कहां कोई जहर असर करेगा, तुम माशाल्लाह खुद बहुत जहरीली हो। नबील अरे जानू मजाक कर रहा था, चलो सूप पियो पियो चलो। नहीं नहीं नबील मैंने नहीं पीना। भाई क्यों नहीं पीना तुमने, मैंने इतनी मेहनत से बनाया, पियो मुंह करो मुंह। नहीं नहीं जानू 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 जानू। खूबसूरत ये लो भाई, तुम ये ना गोली खा लो। क्यों? अरे भाई मैं काफी देर से देख रहा हूँ तुम अपना ना सर दबा रही हो, तो तुम ये सर दर्द की गोली खा लो, ठीक हो जाओगी। अच्छा
पहले आप खा के दिखाएं। अरे मैं क्यों खाऊंगा भाई, मेरे सर में दर्द थोड़ा हो रहा है। तो मेरे भी सर में दर्द नहीं हो रहा महमूद साहब। मुझे पता है खूबसूरत, तुम बहुत परेशान हो। तुम ये दवाई खा के ना गहरी नींद सो जाओ आराम से। आप चाहते हैं मैं मौत की नींद सो जाऊं? क्या फजूल बातें कर रही हो खूबसूरत। देखो तुम हमारा कितना ख्याल रखती हो, तो मैंने सोचा कि हमें भी तुम्हारा ना ख्याल रखना चाहिए। चलो शाबाश, ये गोली खा लो और आराम करो जाके। नहीं। अरे जब मैं कह रहा हूँ खा लो तो फिर खाओ ना। और मैं कह रही हूँ मैंने नहीं खानी। भाई ऐसे कैसे नहीं खानी भाई, तुमने अब मैं लेके आया हूँ तो खानी तो पड़ेगी तुम्हें। नहीं मैं नहीं खाऊंगी। क्या मतलब मैं नहीं खाऊंगी, खाओ ना भाई। नहीं मैं मुझसे मैंने नहीं खानी। अरे खाओ, कैसे नहीं खाओगी तुम? मैंने नहीं खानी। अरे खाओ। इसे क्या हुआ है भाई? इसलिए माँ जी मरने के लिए। माँ जी आप क्यों मुझे मारना चाहती हैं? वो तो मुझे याद नहीं आ रहा, पर मैं तुझे मोर के रहूंगी यार। माँ जी मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? हाँ हाँ याद आ गया, तेरे पापा ने तुझे बड़ा बिगाड़ा है। तू भी अपने पापे की तरह ना कंजूस मक्खी चूस है। माँ जी मैं पिछले इतने सालों से आप लोगों को पाल रही हूँ। इससे अच्छा तो हम ओल्ड होम में ही पल जाते, कम से कम रोज बिरयानी जर्दे की देगे तो आती होती। तू इधर हमें तोरियां खिला रही है, भिंडियां खिला रही है, मैं बताऊं नहीं आज तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी। प्लीज मुझे बचा ले यार। जानू तुम कौन सा, तुम 5,000 का नोट है तुम्हें बचा ले। तुमने कहीं लॉन में उड़ने वाला सांप तो नहीं देखा? लेकिन कैसे देख सकती हूँ मैं मूसा तो यहाँ है। नबील नबील वो माँ जी बाहर मुझे मारना चाहती हैं। अरे भाई खूबसूरत, वो तुम्हारी माँ जैसी है, अगर वो मारना चाहती है तो एक और थप्पड़ खा लो। वो मुझे जान से मारना चाहती है मैं मूसा। इतना घटिया इल्जाम मेरी मासूम माँ पर, वो तो कब से किचन में काम कर रही है। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। माँ जी माँ जी मामा। हाँ जी पुत्र, क्या बात है बेटा? नबील ये देखो इनके हाथ में छुरी है। हाँ तो मैंने कब कहा मेरे हाथ में तलवार है नीला। माँ जी मुझे छुरी से मारना चाहती है। वश्य वश्य, ओए मैं तो इस छुरी से वो काटने वाली थी मसाऊद। वो क्या, खूबसूरत का गला? नहीं नहीं गला नहीं, वो खूबसूरत की जबान। हाँ चलती वैसे बहुत है, इसलिए काटना चाह रही हूँ। और नहीं पुत्र जबान नहीं, मैं तो वहाँ याद आया मैं तो भिंडी काटने वाली थी, शबनम को बड़ी पसंद है ना। देखा खूबसूरत, तुम खाम खाम मोमो पे ना शक कर रही थी। देख लो वो तुम्हारी पसंद की सब्जी बनाने लगी है। पर अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने बाहर देखा था। जानू मुझे पता क्या लग रहा है, तुम्हें ना थोड़ा आराम की जरूरत है, थोड़ी देर आराम कर लो तो। हाँ मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा आराम करती हूँ जाके। कुछ अजीब सी फीलिंग हो रही है। हाँ जाओ जाओ जानू रेस्ट करो। रेस्ट करो जानू, रेस्ट करो जानू, रेस्ट करो। पुत्र दिल मुझे लगता है तेरी बीवी नसरीन ना वो हो गई है। वो क्या माँ जी? पागल भाई। मैं पागल हूँ मेरा दिल पागल। दो ही पागल। जानू जानू तुमने रेस्ट नहीं किया? मेरा मतलब सोई नहीं, थोड़ी देर सो जाती। नबील मुझे लगता है मैं पागल हूँ। कोई मसला नहीं जानू, अगर तुम पागल हो भी जाओगी तो मुझे एक पागल के साथ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मेरा प्यार सच्चा है जानू। नबील अलमारी के खुफिया लॉकर में ना 2 सेट रखे, वो चांदी को उसकी शादी पर दे देना प्लीज। जानू चांदी की शादी तो अभी दूर है यार, मैं अपनी दूसरी बीवी को मुंह दिखाई पर दे दूं। नबील मजाक कर रहा हूँ यार जानू, तो मैं कुछ नहीं होगा। वैसे भी अगर कुछ हुआ भी, अगर तुम पागल भी हो गई तो कोई मसला नहीं है, बिजली के 4-5 झटके देंगे तुम ठीक हो जाओगी। नबील तुम लोग मुझे शौक दोगे? जानू तुम भी तो 12 साल से हर स्पेल में हमें शौक ही देती आई हो। नबील मजाक कर रहा हूँ जानू, रेस्ट करो तुम प्लीज रेस्ट करो। जब से वो किस्मत मामू आकर गए हैं ना मेरे दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आ रहे हैं, मैं उन्हें वापस बुलाती हूँ। अच्छा अच्छा जानू उन्हें बुला कर क्या करना है, उनकी फजूल बातें कभी सच नहीं होंगी, रहने दो। वो तो रही है नबील, उन्होंने ही तो बोला था कि मुसीबत आने वाली है, तब से मुझे बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं। मैं उन्हें फोन कर। अरे जानू देख लो मेरा नहीं ख्याल की जरूरत नहीं है जानू। अरे जानू मेरा ख्याल है इसकी जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। यार नबील खूबसूरत ने ये क्या किया यार? अरे वो किस्मत मामू को फिर बुलवा लिया उसने। ले पुत्र अब तो नसरीन को हमारा प्लान लग पता जाना। ये कौन? मेरा हाल है।
ओ यार किस्मत मामू, आप फिर क्यों आ गए यार? आपको तो मना किया था नहीं आना यहाँ पे। अरे तुम लोगों के कहने पे मैंने उस लड़की के बारे में झूठी पेशगोई की। तुम लोगों ने 20,000 देने का वादा किया था और दिए 2,500 रुपए। अब मैं खूबसूरत को सच सच बताऊंगा कि उस पर कोई मुसीबत नहीं थी। मामू किस्मत, नबील, महबूब साहब, माँ जी, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप लोग इतना गिर सकते हैं। नहीं पुत्र, हम तो गिरे नहीं है। ये शकील बता रहा था कि इस आदमी की वजह से जब तू पागल होके इधर उधर गिरेगी तो हम तेरे पापे से औलाद के पैसे लेंगे। अरे जानू, मजाक कर रहा था, मजाक कर रहा था। तुम मेरी बीवी हो, मजाक भी नहीं कर सकता। शट अप नबील, अब मैं जा रही हूँ अपने पापा के घर और आप सब लोग जाएंगे पागल खाने। जानू, जानू, जानू। और मैं भी चलता हूँ। और जाने से पहले मैं एक बात बता देता हूँ कि जायचे के मुताबिक मुसीबत खूबसूरत पे नहीं थी, तुम तीनों पर थी। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया।